जिस तरह आपके परिवार पर दबाव बनाया गया, आपके पति पर ऐसे केस लटकाए गए, फिर मामला शांत हो रहा है, क्या कहेंगे इस पे? कितना बड़ा पारिवारिक दबाव हो झेला होगा आपके परिवार ने, इस पे क्या कहेंगे? बहुत परेशान किया गया हम लोगों को जी, एकदम दहशत का माहौल बना दिया गया था हमारे घर पे, हमारे परिवार में, हमारे लोगों पे। समझिए कि जो चीज हम लोग नहीं सोचे थे, हम लोग नहीं जान रहे थे कि इस तरह का योगी सरकार में इस तरह का दबाव पड़ेगा जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में। और एकदम समझिए कि इस समय जो व्यवस्था चल रही है सरकार की, ये गुंडागर्दी के बल पे सारा चुनाव लड़ा जा रहा है, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो या ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, जो भी चुनाव हो, जो जनता से वोट नहीं मिलने वाला है, एकदम सत्ता के बल पे ये लोग गुंडागर्दी के बल पे जीतने की कोशिश किए। और जितने भी यहाँ तक की तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, हर जगह निर्विरोध की बात हो रही है कि निर्विरोध सरकार बनेगी, निर्विरोध यहाँ पे होगा, क्या कहेंगे निर्विरोध? निर्विरोध जो मजाक वाले तमाम शब्द है डिक्शनरी में, अब निर्विरोध भी मजाक वाले शब्द में आ गया है। अब ये जो है, ये निर्विरोध जो पहले हुआ करते तो उनको प्रभावशाली माना जाता था, अब निर्विरोध आप नाम लेंगे तो लोग हंसते हैं। बेरोजगारों को नौकरी नहीं है, बेरोजगारों के किया जा रहा है, लेकिन सरकार कहती है कि हमने 4 लाख नौकरियां दी, आज क्या कहेंगे? वो कागजों में है, कागजों में है, कोई हकीकत नहीं है। आप हकीकत करके देखिए, नरेगा कर्मचारी जो हमेशा उनको रोजगार, हम लोगों को किसी भी तहसील में आराम से आके ज्ञापन देने दिया गया। इसके पहले तक जब जब हम लोग देने की ज्ञापन देने की या प्रदर्शन करने की कोशिश किए हैं, हम लोगों को घरों में नजरबंद कर दिया गया है या रात में ही गिरफ्तारी कर ली गई है, इस तरह से तमाम रास्ते में रोक दिया गया है, मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अभी हमारे साथ ये देखिए पूनम गुप्ता जी हैं, अभी इनके हस्बैंड जो जिला पंचायत सदस्य हैं आलोक गुप्ता जी, अभी ये उनको जैसे ही पार्टी घोषित की उम्मीदवार जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, आपने देखा तुरंत उनके बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। उस पर हमारे जिलाध्यक्ष नगीना साहनी जी ने जब विरोध किया, या सचिव के यहाँ गए, लखनऊ में डेलीगेसी पुलिस महानिदेशक के यहाँ जाके मिलती है, तो ये लोग बलात्कार से बैक हो जाते हैं, इनके दबाव बनाते हैं कि मान जाइए आप, मतलब ये चुनाव, ये जब नहीं मानते हैं फिर इनके ऊपर जो है मारपीट का मुकदमा, फिर भी नहीं मानते हैं तो फिर जो है एक्सीडेंट का मुकदमा, लास्ट में इनके घर जेसीबी लेके पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है, आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और जैसा कि मैंने बताया, पहली बार ये 5 सालों में पहली बार हम लोगों को ओपन तौर पे, अभी लोग मीडिया के हैं, आपने भी कभी नहीं देखा होगा किस तरह से कभी जाने दिया गया, और क्यों आने दिया गया है तो वही जानेंगे। और हम लोग, जैसा कि आपने कहा कि लोग कहते हैं विपक्ष अपना भूमिका नहीं निभा रहा है, तो विपक्ष भूमिका हमेशा निभाते रही है। जैसा कि मैंने बताया, नजरबंद कर दिया गया, चेकबुकी कर दिया गया, तो लेकिन लगातार अनवरत हर मुद्दों पे हमने आवाज उठाई है, लड़ाई लड़ा है। कुछ चीजें दिखाई गई हैं, कुछ चीजें नहीं दिखाई गई हैं, यहाँ तक कि आप हो सकता आपके भी संज्ञान में हो, हम लोग फेसबुक और मल्टीमीडिया का सहारा, चूंकि जो नेशनल टेलीविजन है वो तो आप लोग तो दिखाते भी हैं सच्चाई, लेकिन जो नेशनल टेलीविजन हैं वो कतई ही नहीं दिखाते हैं, तो हम लोग कई बार फेसबुक या उन चीजों का सहारा लेते हैं तो पता चलता है कि अभी थोड़ा बहुत दिखाया उसके बाद गायब, वहाँ से भी गायब कर दिया जाता है, एक एक हफ्तों के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है, पत्रकारों पर केस चलता है, पत्रकारों का दबाव बनाया जाता है। अभी हमारे एक बहुत वायरल हुआ था, वो कौन जिला उन्नाव की, कहाँ वो जी, वो थप्पड़ मार देते हैं मीडिया के कर्मी को, बाद में जो है फिर माफी मांगे, क्या किए वो तो अब कैसे मैनेज किए वही जानेंगे। और इस तरीके की अभी इसी चुनाव में बहुत सारे मीडिया कर्मियों को ढकेल दिया गया, भगा दिया गया, और इस 16 सूत्री जो मांग रखी गई है, इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक मांग वो भी रखा है, पत्रकारों के ऊपर जो हमला हो रहा है, उनपे जो ये दुर्व्यवहार उनके साथ हो रहा है, उस पे भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक 16 सूत्री में से एक सूत्री मांग वो भी है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए, और उनको जो भी है जो उनका, जब से आप बता रहे हैं तमाम ऐसी बातें बता रहे हैं जो सबके संज्ञान में, बिल्कुल, लेकिन तब भी देश का नंबर 1 राज्य कहा जा रहा है, क्या कहेंगे इसकी? अब नंबर 1 राज्य कहा जा रहा है वो केवल और केवल, जैसा कि आपने, आपको मैंने बताया, नेशनल टेलीविजन और कुछ जो अखबार, कुछ जो फेमस अखबार हैं
उनको चाहे पैसे के बल पे या कैसे भी, अभी एक मामला मेरे संज्ञान में, मेरे करीबी दैनिक जागरण के मेरे करीबी जो है पत्रकार रहे हैं, अभी 8 महीने पहले उन्होंने कुछ छाप दिया अखबार में, हो सकता है आपके संज्ञान में हो, और उनको आज उन्होंने छापा, कल उनको निकाल कर फेंक दिया गया। तो अब मीडिया कर्मी जो है वो भी डरे हुए हैं, उनके भी पेट पड़ता है, उनके भी परिवार हैं, वो भी डर के मारे नहीं कुछ छाप रहे हैं कि कल को मेरे भी मुझे निकाल दिया जाए ऐसे।